हाँ सर, तीन मौके फिर मिलेंगे, तैयार हो? तो कहानी मेरी ये है, कहानी किस बारे में है? एक शेर, एक भेड़िया और जंगल के कुछ जानवर, ठीक है ना? आपको दस शब्द का, दस शब्द को सुनते ही इस घोड़े पर आकर खड़े हो जाना है। जो पहले आएगा वो माना जाएगा कि वो जीत गया, ठीक है? तैयार हो जाइए। एक बार की बात है, एक जंगल में एक शेर रहता था। शेर बड़ा दयालु था। शेर अक्सर जानवरों को छोड़ दिया करता था। उसी जंगल में एक भेड़िया भी रहता था। अब मैं लाल नहीं बोलूंगा, ब्राउन। उस भेड़िया की आदत थी कि वो भेड़िया सबको परेशान करता। तो जो शेर दयालु था और भेड़िया मजा नहीं करता। भेड़िया लोगों से झूठ बोलता, भेड़िया लोगों से झूठ बोलता। अब लग गया भैया, क्या समझे, लोगों में लग नहीं आ रहा है। चलो कोई बात नहीं, मैं दुखी नहीं, आप कभी नहीं आप कभी नहीं होंगे। तो एक लग गया, सुनाई दिया ना लोगों, तो क्यों नहीं खड़े हुए? अब क्या, तो चला गया। आप ध्यान सुनिए, तो जैसे ही लोगों को पता चला कि ये भेड़िया बहुत झूठ बोलता है, लोगों ने उसको सबक सिखाने का सोचा। दूसरा लोगों भी चला गया, एक लोगों और बचा। अच्छा, इसी कहानी में बिजनेस को निशाने चले गए। एक बच्ची को अब तैयार है ना, लास्ट सुनना है। एक लाख बचा है, एक बार जीता है। ये लोग अभी ये समझ नहीं पा रहे था, तभी किसी ने समझ किया गया। तो लोगों को जब पता चला, इसके बाद करा लोगों, ठीक है, ये वाला हो जाने कि ये भेड़िया बहुत झूठ बोलता है, उन्होंने उसे सबक सुनाने का निश्चय किया। उन्होंने हरकतों पर लगाम लगाने की सोची। अरे बहुत मजा आ रहा है, अब कौन पहले आया मैं? चलो फिर से पीछे, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। अगर आपने इसमें पैर भी रख दिया तो आप जीत जाओ, ठीक है ना? कोई डर नहीं हो, ठीक है ना? तो आपने पैर भी रख दिया, इतना आप पीछे पीछे नहीं कर रहे। तो हुआ क्या, ध्यान सुनिए भाई, अंतिम मौका है। ये तो हम कुश्ती शुरू हो रही है। तो हुआ क्या, उन्होंने सोचा कि चलो इसके पापा, चलो ये लड़का बाहर हो गया, मैंने कब क्या बोला, मैं चाह है ना, पहले ला से शुरू होने वाला सब। अब ब्रिजेश बाहर हो गया, अब तैयार है, तुम जीत जाओगे, ठीक है? ध्यान सुनिए, चलो इसके पापा के पास चलते हैं और देखते हैं कि वो क्या करते हैं। उन्होंने सोचा कि इसके पापा से कंप्लेन करेंगे, शिकायत करेंगे, तो शायद ये सुधर जाए। उन्होंने जैसे वो घर पहुंचे, वो लापता था, चले गई साथ में। तो विजय के लिए थोड़ा गाड़ी बजा चले, और आपका नाम ये हम बहुत लंबा भी कर सकते थे, अभी भी कर सकते हैं, लेकिन हम इसलिए यहाँ पे रोक रहे हैं ताकि आपको समझ आ गया, अगली बार फिर से होगा, ठीक है? इनको गिफ्ट मिलेगा, विवेक वहां भी जीता था ना, ठीक है? अभी आज इतना ही, अगली बार हम लोग कंटिन्यू करेंगे।